अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली मेम्बर, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल खैरियत से होंगे। लिखो बेटा, आप क्यों रुक गए हो? चलो लिखो। तो बच्चे आज स्कूल नहीं गए हैं, तो इनको मैं घर में ही तैयारी करवा रही हूँ। ये पढ़ रहे थे अभी, मैं उस स्टूडेंट का वेट कर रही थी, वो अभी तक नहीं आई है, बस आने वाली होगी क्योंकि 10 बजे तक आ जाती है। और इनका स्कूल जो है वो मैंने अभी तक इसलिए नहीं भेजा इन्हें, आज छुट्टी करवाई है, क्योंकि मैं ना स्कूल से इतनी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। बच्चों को कुछ भी नहीं आता जाता, पढ़ा भी कुछ नहीं रहे हैं, पता नहीं क्या है, 3-3.5 घंटे लगा के आ जाते हैं, आता जाता भी इन्हें कुछ नहीं है। जो मैंने पहले ट्यूशन में डाला हुआ था बस वही जो आता है इनको आता है, और स्कूल में तो कोई ख़ास तैयारी नहीं करवा रही है। मैं घर में जो पढ़ा देती हूँ, स्कूल में ये इतना काम दे देते हैं बच्चों को, और बस जी घर में लिखते रहो। और अगर ये सारा कुछ सिर्फ घर में ही करना है तो स्कूल में फिर आप क्या करवाते हैं? तो और बच्चों को मारते भी हैं स्कूल में, हालांकि ये बहुत छोटे बच्चे हैं, उन्होंने शरारतें भी करनी है, ज़िद भी करनी है, तो स्कूल में इतने बच्चों को मार रहे हैं तो ये तो खैर अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा उस स्कूल से अनॉइड हुई थी, और अब मैं एक और स्कूल है उसका पता करने जाऊँगी क्या उनका प्रोसीजर है, अगर तो इसके टेस्ट वगैरह ले लेते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। अभी तो मैं यहाँ पे चाय पी रही हूँ और साथ में वेट कर रही हूँ कि वो अब आ जाए, तो मैं फिर उसको पढ़ा के तो बंदा इजी हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। मैं कलर्स दे दूँ? कलर्स करने आप लोगों ने? अच्छा मैं देती हूँ फिर आप लोगों को। ये पहले अभी नहीं लिखा ना आपने? तो मैं इसके स्टूडेंट के वेट कर रही थी, ये भी आ गई है, आते ही हम कलर्स कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे जो है ना वो कलर से जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इनको अभी मैं निकाल के देने लगी हूँ ताकि ये भी साथ साथ कलर्स करें। इनकी यहाँ पे मैं कॉपीज निकाल रही थी, बैग यहाँ पे रखे हुए हैं, और चलें ये भी साथ साथ जो है ना अच्छा। और बच्चे बच्चों को देख के ज़्यादा जल्दी जो है ना वो अट्रैक्ट होते हैं, ज़ाहिर है वो देखते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं। तो ये मैंने इनका उस दिन करवाया था, बाकी भी करवाते हैं। आज तो ऐसे जैसे बच्चों का कोई ख़ास मूड ही नहीं है, वो अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। आयजा भी आज रोती हुई आई है ना? आयजा क्यों रो रही थी? वो एक दिन के बीच में छुट्टी आ गई है ना, तो इस वजह से आज ये रोई थी। तो यहाँ पे मैं एक स्कूल है इसका आज पता करने आई हूँ, तो बच्चों को आज यहाँ पर थोड़ा सा इनका टेस्ट होगा, फिर दे डिसाइडेड कि किस स्कूल किस क्लास में इनका एडमिशन सही रहेगा। तो अभी स्कूल में हम आ चुके हैं, मैं अंदर जाती हूँ इनके प्रिंसिपल अभी स्कूल से बस इन्फॉर्मेशन वगैरह लेके, तो बच्चों को लेके आई हूँ। ये जो हमारी सोसाइटी है इसका एक और ब्लॉक स्टार्ट हुआ हुआ है ओवरसीज़ के नाम से, तो ये उसका पार्क इन्होंने बनाया है, वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी बनाया हुआ है, और अब अच्छा है वैसे पार्क। ये यहाँ पर सारी बोटिंग के लिए छोटे से बनाए हुए थे बच्चों के लिए, तो अभी मेरे ख्याल से उसकी तो सफाई हो रही है। अभी तो मैं धूप निकली हुई है, शाम को इन्हें एक दफ़ा लेके आऊँगी यहाँ पे। आरिस बैठ जाओ, अभी तो पार्क बिल्कुल खाली है, बच्चे अपनी मर्जी से जिस मर्जी झूले पे बैठ रहे हैं। बैठो ना आप, अभी ये गर्म होगा। आरिस बैठो हॉर्स पे, एलिजन आ जाओ, जम करो, आओ इस पे बैठो, आओ ना इस पे बैठ जाओ, आरिस आ बैठो, ये अभी हॉट होगा है ना। अभी यहाँ पे जो है ना घर भी नहीं अभी बने हैं, कंस्ट्रक्शन अभी तो काम नहीं है यहाँ पे। भाई आया हुआ मेरे साथ, अभी दूर दूर तक तो खाली है बिल्कुल, इसलिए बड़ा सुकून है इस जगह पे, कोई रश नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये क्या है? ये हॉर्स है, ये मैं पास दिखाती हूँ इसकी। अभी मेरे ख्याल से बहुत सफाई कर रहे हैं, वैसे तो अच्छा मच्छर थे ना अभी, तो यहाँ पे पानी नहीं इतना स्टॉक करते होंगे मच्छर की वजह से। ये बोर्ड्स वगैरह पड़ी हुई हैं, देखें इसमें पानी था आगे ना। बस अब हम घर जा रहे हैं क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ निकली हुई है। नहीं इसको ना उठाओ बेटा, ऊपर से क्रॉस करो ना इसको, आ जाओ। देखिए अभी बिल्कुल खाली है यहाँ पे। चलो बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बहुत गर्मी है अभी ना, बाद में आएंगे शाम को, शाम में आएंगे। मैं एक स्कूल का पता करने गई हुई थी, तो स्कूल का एक पता करके आई हूँ। अब सुबह इनका टेस्ट होगा उस स्कूल में, तो फिर वो डिसाइड करेंगे कि इन्हें किस क्लास में बैठाना है। अब सुबह इन्हें बस आज थोड़ी सी रात को तैयारी भी करवाऊँगी इनकी, ताकि सुबह से जो है ना कुछ टेस्ट ये थोड़ा सा क्लियर कर सकें। तो ये सो गए थे, अभी ये उठे हैं थोड़ी देर के लिए, सो गए थे सुबह से, उठे हुए थे। तो
अभी एक जो है वो तो अंदर ही लेटा हुआ मेरे ख्याल से। अली जैन बेटा उठ जाओ, अब मुझे अब दोपहर में थोड़ा सा सो जाए ना, फिर थोड़ा अच्छा। मुझे खुद भी ऐसा होता है कि जब दोपहर में थोड़ा सा सो लिया जाए ना तो फिर बंदा अजीब लेजी सा हो जाता, उठा नहीं जा रहा होता। लेकिन बच्चों का ज़रूरी होता है सोना भी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि सुबह से उठे होते हैं, फिर स्कूल की रूटीन बनी हो फिर तो अच्छा होता है कि जल्दी रात को सो जाते हैं और सुबह ये फिर जल्दी उठ जाते हैं और फिर स्कूल जाना होता था। तो अभी यहाँ पे मामा बर्तन धो के गई हैं, तो देखें हर तरफ बर्तन ही बर्तन बिखरे होते हैं। वो जब भी धोएं यही हाल होता है, हर तरफ बर्तन होते हैं, बहुत ज़्यादा पानी नीचे गिरा होता है। मैं फिर अक्सर इनसे कहती हूँ कि आप बर्तन ना धोया करें, मैं खुद धो लूँगी, तो इसको समेटना इतना मुश्किल लग रहा होता है ना। तो बर्तन भी मैंने सारे समेट दिए हैं, किचन भी साफ़ कर दिया है। सबसे जो सेटिस्फाइंग फीलिंग्स होती हैं ना वो यही होती हैं कि किचन साफ़ और सेट होना चाहिए। लेकिन जब भी यहाँ पे मामा होके जाती हैं ना और वो बर्तन वगैरह धो के जाती हैं या कुछ काम करके जाती हैं, तो सबसे ज़्यादा गंदा तब हो जाता है किचन। तो अभी ये बच्चे उठ रहे हैं ऐसा ऐसा से, तो मैंने कहा था ये उठ जाएंगे तो फिर इन्हें खाना बना के दूँगी। आरिस आरिस इधर देखो मेरी तरफ, ओए आरिस। बच्चे बहुत मगन होते हैं जी फ़ोन में, क्योंकि ये एक बहुत बुरी आदत है। आप उठ गए हो, आ जाओ बाहर आ जाओ अली जैन। बच्चे जी खाना वगैरह खा के फारिग हो गए हुए हैं, तो या टीवी पे इन्होंने कार्टून्स लगवाए हुए हैं, तो अगर इनको कोई पोएम्स वाले या लर्निंग वाले कार्टून्स लगा दें तो वो ये नहीं देखते हैं, और ये पता नहीं क्या फजूल से कार्टून्स हैं, ये इनके फेवरेट होते हैं। आजकल के बच्चे पता नहीं क्या किस तरह के कार्टून देखते हैं, और एक्साइटमेंट है देखिए इनकी। अली आप नहीं देख रहे, अली जैन ओके मैं देखती हूँ इसको, देखेंगे कितना एक्साइटेड हो रहा है। ये एक्टिविटी बच्चों की मुझे अच्छी लगती है, जब ऐसे कार्टून्स देखते हैं लर्निंग वाले तो फिर वैसे ही एक्ट करते हैं, और अच्छा है बच्चे ऐसे कार्टून्स देखें। पोइम्स राइम्स ये सब कुछ बच्चे ना ऐसे ज़्यादा सीखते हैं। वॉक 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 करो, ये सही बच्चों की एक्टिविटी होती है। जब ये फ़ोन में घुसे रहते हैं ना तब तो मुझे बड़ा अजीब लगता है, क्या ये हमारी ही बस क्या करें। क्लैप वेरी गुड, ऐसे कार्टून्स मैं इन्हें जब बाहर थी ना तब भी लगा के देती रहती थी, तो काफ़ी लर्न इन्होंने ना ऐसे ही देख देख के किया था। सारा दिन के काम काज के बाद फ्री हो के तो अब अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाला है, शावर लिया है, थोड़ी सी फ्रेश हुई हूँ। अब ना सुबह से सर में भी अजीब सी दर्द हो रही थी, सर बहुत भारी भारी हुआ हुआ था, तो अब क्योंकि स्कूल भी आज दो दिन हो गए हैं नहीं गए हैं, स्कूल की वजह से मैंने आपको बता रही थी कि बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे स्कूल वाले, इनको बच्चों को मार रहे थे, पता नहीं किस लिए मारते थे, स्कूल में एंटर नहीं होने देते थे पेरेंट्स को, और पेरेंट्स टीचर मीटिंग जो है वो बहुत कम होती थी, और बड़े अजीब से रूल्स थे। पहले तो खैर मुझे पता नहीं था एट द टाइम ऑफ एडमिशन, तब तो उनके बिहेवियर्स इतने अच्छे होते हैं और लगता है इनसे अच्छा कोई स्कूल ही नहीं है। तो अब मैं एक स्कूल का पता करके आई हूँ, और आज मेरे बच्चे काफ़ी देर वहाँ पर रहे हैं, मेरे ख्याल से डेढ़ दो घंटे उन्होंने क्लास में इनको बैठाया, और जो है बड़ा इंजॉय इन्होंने किया। मेरा बड़ा बेटा तो वापस आके भी मुझे कह रहा था कि मुझे जाना है स्कूल, मैंने कहा सुबह से आपको इंशाल्लाह छोड़ के आऊँगी, अब सुबह इनको मैं लेके जाऊँगी, तो सुबह से आज इनको उस स्कूल में सुबह छोड़ के आऊँगी। अभी इनकी यूनिफॉर्म्स वगैरह तो मैंने बाय नहीं किए हैं, वो मैंने कहा कि उन्होंने भी बोला कि आप दो चार दिन भेजें, मंडे तक भी परचेज हो सकते हैं, क्योंकि अभी ये है कि अभी थोड़ा एडजस्ट हो वहाँ पे उठना बैठना, बच्चों में ज़ाहिर है थोड़ा सा टाइम लगता है, नई टीचर्स के साथ नए स्टूडेंट्स के साथ, तो अल्लाह करे ये सेट हो जाए। वैसे तो मुझे इन्वायरमेंट बहुत अच्छा लगा है, और सबसे बड़ी बात है कि स्टडी के मामले में अल्लाह करे अच्छे हों, और मैंने वैसे इनकी तारीफ़ भी बहुत सुनी है, हमारे नेबर्स में भी हैं, जितने भी और के बच्चे जा रहे हैं वो बहुत तारीफ़ करते हैं, तो अल्लाह करे ये भी एडजस्ट हो जाएं, फिर इनकी प्रॉपर दोबारा से एक रूटीन बन जाएगी। है तो वैसे वो हमारे से बहुत डिस्टेंस पे स्कूल में, स्कूल जो है तो इनके लिए कोई कन्वेंस भी अरेंज करवानी पड़ेगी, कोई रिक्शा वगैरह फिर लगवाएंगे, वैसे तो उनकी वैन भी आती है या वैन का ही पहले करेंगे, तो वो देखते हैं फिर क्या होता है। और अभी तो हर भाई है वो छोड़ आता है और ले भी आता है, तो ऐसे ही जो एक बच्चों की होती है टेंशन वो भी थोड़ी कम हो जाती है, ताकि बच्चे स्कूल जाने लग गए एडजस्ट हो जाएं,
तो सुकून हो जाता है। चलें अब अल्लाह करे इनकी भी रूटीन सुबह से बन जाएगी, इनकी बन जाए तो मेरी भी बन जाती है, क्योंकि सुबह बंदा अर्ली उठता है, जल्दी से काम सारे वो समेट लेता है, सारे काम जल्दी से करके कंप्लीट, तो खुद भी रिलैक्स हो जाता है। और आप जो मुझे YouTube पे देख रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे Facebook पे जो देख रहे हैं वो मेरे पेज को ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी, हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।